आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर शहर प्रभाग क्रमांक 21 आसरा चौक से स्वराज्य कार्यालय तक एमआईएम नगर सेवक रियाज खरादी के 10 लाख रुपए की निधि से डामरी रास्ते का उद्घाटन नगर सेवक तौफिक शेख के हाथों किया गया। इस समय नगर सेविका वाहिदा बी शेख, ढोकड़े सर, मनपा अधिकारी इबाड़े मैडम, अरबाज खरादी व आदि मान्यवर उपस्थित थे। आज प्रभाग क्रमांक 21 में आसरा चौक से स्वराज्य तक जो रास्ता है डामरीकरण का, वो 10 लाख का रास्ता है जो प्रभाग मेरा है, लेकिन बजट हमारे साथी हमारे दोस्त रियाज भी खरादी का है। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे जो प्रभाग के अंदर हथवाड़ भाग रहने से यहाँ पर काम ज़्यादा है, तो यहाँ पर वायदा आप हमारी तस्लीम हम नई जिंदगी भाग में जो दाट बस्ती है वहाँ पर हमारा काम ज़्यादा हो रहा है, तो उसके बाद भी यहाँ शुरू से मित्र नगर हो, काजल नगर, आसरा, नई जिंदगी भाग, अंदरूनी नगर, यहाँ रेडियम काम हो रहा है। यहाँ के लोगों के कुछ हमारे जो पत्रकार भाइयों की मांगनी थी तो रियाज भाई से मिलकर यहाँ पर मेरे वार्ड में वो मेरे से बात करके राय मशवरा करके यहाँ पर रियाज भाई ने बजट दिया, तो इसलिए अभी इलेक्शन के लिए वक्त भी कम है, तो ये रास्ता बहुत जरूरी था, ये मुख्य रास्ता है, यहाँ के लोग के आना जाना रहदर बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ पत्रकार भाइयों की मांगनी थी संपादक लोग की, तो रियाज भाई ने उनकी बात सुनकर हम मेरे से राय मशवरा करके ये काम किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह अभी यहाँ पर जितने भी जो प्रभाग किस बहादुर का काम है मैं वायदा पर तस्लीम सिंह मिलकर कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे समझदार है, हमें साथ देते हैं, दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मैं तमाम और इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे स्वराज दैनिक के संपादक टोड़े साहब आए हैं, साथी रियाज भी खड़ा दी, वायदा पा शेख जी, हमारे इबारे मैडम और झेड़ो दीवान जी साहब, अरबाज खड़ा दी शाहिद और दीगर हमारे सभी साथी यहाँ पर जो मौजूद है, मैं सब लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। जय जय हमारा वक्त 21 में आसरा चौक से लेकर स्वराज्य पेपर तक 10 लाख का डामरीकरण के रास्ते का उद्घाटन स्वराज्य पेपर के संचालक राकेश टोड़े इनके शुभ हस्ते और हमारे लोकप्रिय नगर सेवक तौफिक शेख इनकी अध्यक्षता में और वाहिदा भी नगर सेवक नगर सेविका इबारे मैडम दीवान जी और सभी यहाँ के मौजूद हजरत नूर भाई इनके मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया गया है। तौफिक भाई ने जैसा कि कहा कि इनका प्रभाग बहुत बड़ा है और यहाँ पर जो बजट मिलता है वो गली मोहल्लों में ही खत्म हो जाता है और ये मुख्य रास्ता था, तो यहाँ पर कुछ लोग मुझसे आकर गए कि रियाज भाई ये रास्ते का काम करना बहुत जरूरी है और ये रास्ता आसरा चौक से नई जिंदगी और लोकमान्य नगर को जोड़ने वाला रास्ता है। उस वक्त मैंने तौफिक भाई से कहा कि मेरे पास 10 लाख रुपए का फंड अवेलेबल है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इस रास्ते को बजट देकर पूरा करूंगा, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर आगे भी लगे तो मैं पालक मंत्री से मंजूर कर लाऊंगा, क्योंकि सब लोग आचार संहिता लगेगी बोलकर बजट बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर दिया सब लोगों ने, तो इसके बाद भी 83 लाख रुपए का बजट तौफिक भाई ने पालक मंत्री पास से लाया, तो यहाँ पर करोड़ों रुपए का बजट भी कम पड़ेगा इस प्रभाग में, क्योंकि प्रभाग हदवाड़ा है, ये बड़ा प्रभाग है और यहाँ पर कभी विकास हुआ ही नहीं, तो ऐसे मोहल्लों में अगर तौफिक शेख जैसा नगर सेवक रहेगा जो निधि खींच कर लाने की ताकत रखता है, तो ऐसे नगर सेवक अपने मोहल्ले से चुनकर आएंगे तो इंशाल्लाह इस हदवाड़ जैसे प्रभाग का भी विकास होगा। और मैंने यहाँ बजट दिया, यहाँ पर कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि ये बजट आप शहर सोलापुर वालों का टैक्स भरा हुआ पैसा रहता है, ये हमारे घर का नहीं रहता है, तो हर जगह जहाँ पर विकास होना जरूरी है, जिस तरह से आप रास्ते की हालत देख रहे हो यहाँ रास्ता करना बेहद जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ अपना बजट दिया।